कैसे हैं आप? जैसे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो रमज़ान से पहले हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, क्या चीज़ें परचेज करते हैं, घर को कैसे मेंटेन रखते हैं ताकि रमज़ान में हम अच्छे से तिलावत करने पे ध्यान दे सकें, तो उसी के ऊपर मैं आपके साथ अपनी पूरी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है शॉपिंग करना, घर में जो चीज़ ख़त्म है और रमज़ान के 30 दिन जो जो भी पकवान बनते हैं या कुछ भी हम नया ट्राई करते हैं, तो मैंने उसकी ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है कि कोई मैं नई रेसिपी भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि अगर मैंने कोई चीज़ किसी दिन सोची और वो इंग्रेडिएंट घर पे ना हो, रोज़ा रख के तो बार बार ऐसे ग्रॉसरी स्टोर जाना ठीक नहीं है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं आज उन सारी चीज़ों की शॉपिंग करने जा रही हूँ। और भी जो ग्रॉसरी हमारी जो ख़त्म हो जाती है, तो ज़्यादा स्टॉक रखने से ये रहता है कि रमज़ान के उन 30 दिनों में बार बार जो है जाना नहीं पड़ता, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह की ही शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ता है, ग्रॉसरी वगैरह मैं इसीलिए लिस्ट पहले से बना लेती हूँ। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं लुलु मॉल, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रीजनेबल डिस्काउंट पे इस समय रमज़ान में जो है कि सेल भी लगी हुई है, हर चीज़ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे जब मैं जा रही थी तो बच्चा जो है वो रास्ते में ही सो गया था, लेकिन जब वे वहाँ पे पहुँचता है जहाँ भी अगर घूमने जाते तो वहाँ ही उठ जाता है, तो रास्ते में भले ही सो रहा था तो इसके बाद ये उठ गया था। उसके बाद हमने ट्रॉली ली है, ट्रॉली में बैठा के थोड़ा सा शॉपिंग करना हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी हाइपर मार्केट इतना बड़ा है कि घूमते घूमते और सारा सामान खरीदते हुए 2 से 2.5-3 घंटे तो हमें लग जाते हैं। तो हमने पहले तो इसको ट्रॉली पे बैठा दिया, लेकिन इस बार इसका ना थोड़ा सा शैतानी करने का मूड था, तो इस बार इस ज़्यादा देर तक बैठा ही नहीं ट्रॉली में। उसके बाद भूख लग गई थी, तो सबसे पहले हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि फिर शॉपिंग करने में अगर लग गए तो फिर बहुत वक्त चला जाएगा, तो इसलिए हमने लंच करके, असल में घर से निकले नहीं थे, निकलते निकलते लंच का टाइम हो गया था और शाम को वापस आना था, तो इसलिए 3 बजे हमने घर छोड़ दिया था और जाके लंच वहीं करा है। तब हम हाइपर मार्केट में जा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये इतना एक्साइटेड है कि इस बार ट्रॉली में बैठा ही नहीं। यहाँ पे बाहर भी एक रमज़ान की स्पेशल सेल वाली में, जहाँ पे सारी रमज़ान की चीज़ें थी, बेसन, मैदा, चने, जूसेस पे काफ़ी अच्छा ऑफ़र था, जूसेस तो हमने काफ़ी ख़रीद लिए थे, तो काफ़ी अच्छा ऑफ़र था। यहाँ पे पूरा जो काउंटर था, इसमें सिर्फ रमज़ान में ज़्यादातर जो सबके घरों में 90% चीज़ें यूज़ होती हैं, वही चीज़ें अलग ही लगा रखी थी, डिस्प्ले कर रखी थी, तो आप जाके परचेज भी कर सकते हैं। तो हमने बाहर से तो जूसेस लिए थे, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अंदर से ही ली थी। इसके साथ शॉपिंग करने में इस बार थोड़ी ज़्यादा परेशानी इसलिए आ रही थी बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इस बार वो खुद ही पूरी ट्रॉली भगा रहा था, ये नहीं था कि हम एक जगह खड़े होकर कोई चीज़ देख सके, ढूंढ सके, तो इसलिए हम दोनों में से मेरे हस्बैंड जो है वो चीज़ें खरीद खरीद के लाके ट्रॉली में रख रहे थे और मैं इसको संभाले हुई थी। तो यहाँ पे ये जो है वो चने की दाल, जितनी भी दालें वगैरह हैं, अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी में हर चीज़, मतलब प्राइस भी डिसेंट ही है, मतलब यहाँ अच्छा मिल जाता है, एटलीस्ट क्वालिटी वाइज तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है यहाँ पे। तो वही दालें, चने, राजमा वगैरह जो रमज़ान में, मटर, वाइट मटर हो गई, और भी जो दालें वगैरह ख़त्म हैं, आटा वगैरह, वो सारा हम यहीं से लेने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे खरीद ली है, 2 से 3 घंटे लगे थे, अब हम बिल करवा रहे हैं और ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, ये कह रहा है कि ट्रॉली खाली क्यों कर दी, मुझे अभी और खेलना है। इस बार शॉपिंग में एक चीज़ अच्छी और हुई है, मैंने एक ऐसा मतलब घर पे एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है, वो है मैंने स्टील के कुकवेयर्स खरीदे हैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि एल्युमिनियम को अब धीरे धीरे डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दूं, तो स्टील के मैंने बर्गनर की कढ़ाई पैन वगैरह खरीदा, जिसका रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर वापस जाते जाते 6 बज गए थे, हमें 3 घंटे लगे थे, तो ये हम वापस लौट रहे हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं घर पे वापस आ चुकी हूँ, हमने शॉपिंग कर ली है रमज़ान के लिए, जितनी भी चीज़ें ग्रॉसरी की या फिर और भी ऐसी जो चीज़ें जो हम नहीं चाहते कि इन 30 दिनों में ख़त्म हो ताकि बीच में जाना पड़े, तो काफ़ी सारा सामान जो हमने स्टॉक कर लिया है। तो मैं मेनली वो चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो रमज़ान में हर किसी घर में चाहिए ही चाहिए होती है, मतलब उनकी शॉपिंग तो हर कोई करता है। वहाँ पे भी हमें ज़्यादातर जो लोग थे ग्रॉसरी स्टोर्स में, ज़्यादातर जो लोग थे वो रमज़ान की शॉपिंग करने के लिए ही आए थे और वही चीज़ें सबसे ज़्यादा बिक रही थी। तो रमज़ान में सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी है वो ये स्टील की बर्गनर की कढ़ाई और पैन का जो सेट है वो परचेज़ करा है। एक्चुअली जैसे जैसे ये चीज़ पता चल रही है कि एल्युमिनियम के बर्तन अच्छे नहीं होते हैं, तो मैं धीरे धीरे अब जो है वो स्टील के बर्तन खरीदने वाली हूँ और सारे के सारे एल्युमिनियम के बर्तन जो है वो स्टील के बर्तन से रिप्लेस कर दूंगी। फिलहाल मुझे नहीं पता है कि इसका एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है, मैं रिव्यू भी अपने चैनल में ज़रूर डालूंगी। अभी तो फिलहाल मैं इसे सिर्फ परचेज करके आई हूँ और ये कैसा निकलेगा मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी जब मैं इसमें कुछ चीज़ें बना लूंगी। तो नेक्स्ट जो है, सबसे पहले तो मैंने जो दालें हैं इनको फिल करा है, मसूर दाल, राजमा, ये काबुली चने, ये वाले चने तो सबसे ज़्यादा, काले वाले चने सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, फिर मटर ये, और उसके बाद खजूर,
खजूर खरीदे हैं और ये सारे जूस हैं, कॉर्नफ्लोर हो गया, और इसमें कुछ ऐसा ग्रोसरी का सामान है जो घर पे खत्म हो गया था, जो हम चाहते हैं कि इन 30 दिनों में खत्म ना हो। लिक्विड हो गया, डिश बार हो गई, बिस्किट्स हो गए, मैगी और सर्फ हो गया, ये सॉल्ट और ये नेस्टी लेमन फ्लेवर की नमकीन, चाय पत्ती, टिश्यू पेपर, सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ भी चीज़ फ्राई होगी तो वो टिश्यू पेपर में रखने से थोड़ा सा जो है वो कैलोरीज कम हो जाएंगी, और अमचूर पाउडर, ये तो ज़रूरी ही होता है अमचूर पाउडर। बाकी तो सारी ये मसाले हैं जिनमें मेन है कस्टर्ड हो गया, काली मिर्च का पाउडर हो गया, कश्मीरी मैदा, ये तो मसाले हैं, धनिया पाउडर हो गया, जीरा, हल्दी, ये काला नमक है, लाल मिर्च, सर्फ वगैरह भी अच्छे से स्टॉक कर लिया है ताकि बीच में खत्म ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने रमज़ान के लिए परचेज़ की। बाकी जो फ्रूट्स हो गए और कुछ चीज़ें और हैं, सॉस वगैरह हो गई, वो सब मिली नहीं थी, मतलब जो सॉस हमें चाहिए थी वो नहीं मिली थी, तो वो सब भी खरीदनी है। और बेसन की बात है तो ये जो चना दाल है मैं इसे ही पिसवाती हूँ, क्योंकि पिसे हुए बेसन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन होने वाली है वो है फ्रिज को साफ करना। फ्रिज क्योंकि बहुत बुरी तरह से गंदा हो चुका है, महीने भर हो गया मैंने उसको क्लीन नहीं किया, क्योंकि मैं शादी वगैरह में गई हुई थी, इस वजह से मैं घर में इस तरह की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाई, तो फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और रमज़ान शुरू होने से पहले फ्रिज का साफ होना बहुत ज़रूरी। घर तो साफ है, घर की सफाई तो मैंने कर ली है, लेकिन फ्रिज जो है, फ्रिज काफ़ी गंदा है। तो पहले मैं आपको फ्रिज का जो है ना वो बिफोर लुक दिखा देती हूँ कि कितना बुरी तरह से फ्रिज की हालत हो चुकी है। तो फ्रिज की हालत तो आपने देख ली, काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो चुका है, काफ़ी मैसी हो चुका है, इसको भी सही करना है। और ये जो सारा सामान है इसे हमें सेट करना है अच्छे से, इनको बॉक्सेस में भरना है, डब्बे भी थोड़े बहुत क्लीन करने हैं, फ्रिज अच्छे से साफ़ वगैरह करके, जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं वो रखनी है, जूसेस हो गए, अभी फ्रूट्स भी आया करेंगे, मतलब डेली ही फ्रूट्स रमज़ान में खाए ही जाते हैं, तो फ्रूट्स रखने की जगह सारे बॉक्सेस अच्छे से अरेंज करने हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, तो अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो एक एक करके निपटाते हैं। फ्रिज को क्लीन करने वाली, लेकिन हाँ ये डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, बिकॉज अभी थोड़े टाइम बाद ही घर को शिफ्ट करना है, तब तो फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी। ये है कि ये सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर देने वाली, मतलब अंदर से जो है बस ये कपड़ा मार के जहाँ जहाँ मुझे गंदा लगेगा साफ़ कर दूँगी, थोड़े से ये जितने भी कैबिनेट्स वगैरह हैं इनको थोड़ा सही कर दूँगी। हाँ ये है कि ये ग्लास के जितने भी ये शेल्फ हैं इनको तो अच्छे से वॉश ही करना है, बिकॉज वॉश करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से जो फ्रिज के कवर हैं उसको बिछा दूँगी तो ज़्यादा गंदगी नहीं गिरेगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से फ्रिज को जो है वो क्लीन कर दिया है। ये सब अंडे की ट्रे वगैरह मैं नहीं निकाला करती हूँ, ऐसे ही इसके अंदर ही अच्छे से जो कपड़ा होता है उसको मार देती हूँ, तो उससे साफ़ हो जाता है, बिकॉज कई बार ऐसा हुआ कि अंडे की ट्रे निकालने की वजह से वो मुझसे टूट जाती हैं। तो यहाँ पर जितना भी ये मेरे फ्रिज के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वेजिटेबल ऑर्गेनाइजर्स, इसमें मैं जो ये सब्जियाँ वगैरह खरीद के लाई गई हैं उनको मैं अरेंज करने वाली हूँ सबको अच्छे सेक्शनल, टमाटर, मिर्चा वगैरह, खीरा, ये सारी चीज़ें जो बॉक्सेस में आ जाएंगी उनको मैं उसमें अरेंज कर लूँ, उससे क्या है चीज़ें मिलने काफ़ी आसान रहती हैं। तो यहाँ पे अंडे फ़िलहाल अभी समय कम थे तो मैं एक ट्रे में अंडे की बजाय कीवी डाले दे रही हूँ, वैसे तो दोनों ट्रे में अंडे ही रहते हैं, और फिलहाल मैं इसको यूज़ है कर रही हूँ, अदरवाइज़ जो वेजिटेबल्स वगैरह है उनको मैं ऑर्गेनाइजर्स में ही सेट करती हूँ, ईजी रहता है, क्योंकि फ्रिज दो लोगों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसमें काफ़ी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख लेती हूँ। पर हाँ मेरी ये आदत है मैं अपनी फ्रिज को जो है वो मिनी स्टोर नहीं बनाती हूँ, ग्रॉसरी स्टोर जैसे ज़्यादातर की यूट्यूबर्स को मैं देखा करती हूँ कि घर में जितना भी सामान होता है वो सारा फ्रिज में रख देते हैं, एक मिनी बाज़ार ही बना लेते हैं, तो मुझे वो नहीं पसंद। ये है कि हाँ जो चीज़ें ज़रूरत की हैं बस मैं वही रखती हूँ, ज़्यादा मैं अपनी फ्रिज को भरती नहीं हूँ। तो फिलहाल जो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं इसको मैं नीचे वाले में अच्छे से, इसमें एक से एक बार में दो ऑर्गेनाइज़र आ जाते हैं और अच्छी खासी स्पेस जो है मैनेज हो जाती है, और जो भी चीज़ चाहिए होती है वो सामने दिख भी रही है। तो यहाँ पे साइड में मैं जो है पानी की बॉटल, एक्चुअली मैं अभी हम ठंडा पानी नहीं पी रहे हैं तो वाटर बॉटल्स का कोई इशू नहीं है, और इसीलिए तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं जूस वगैरह जितने भी सिरप्स हैं ये सब रखने वाली हूँ, लिक्विड सारी चीज़ें साइड में ही रखने वाली हूँ, सही रहेंगी। तो यहाँ पे ये सारी सिरप्स हो गई, सारे जूस वगैरह बनाने के लिए जितने भी क्रश हैं वो रख दूँगी, और एक चीज़ और, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो मैं कभी भी बना के नहीं रखती हूँ, बिकॉज दो लोगों में ज़्यादा इतना लगता नहीं है, और जब भी मुझे चाहिए होता है लहसुन वगैरह छिला रखा रहता है तो उसको मैं उसी समय कूट लेती हूँ, उससे क्या होता है कि
अच्छा बनता है खाना, मैं मानती हूँ। रखे हुए जिंजर गार्लिक का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, लेकिन यह है कि कभी कभार मैं एक हफ्ते के लिए पीस के भी रखती हूँ, अगर मुझे पता हो कि कोई आने वाला है या फिर बीच में खाना ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ये मिनी ऑर्गेनाइज़र इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी ऐसी रखी जानी है जो कि आपस में मिक्स हो जाती हैं, सॉस वगैरह के हो गए पैकेट्स, फिलहाल अभी जो दूध वगैरह का मैं नहीं पकाती हूँ तो सामने रख लेती हूँ, अदरवाइज़ ये वाला सेक्शन खाली ही रहता है। तो यहाँ जो लार्ज वाला है इसमें भी सबसे पहले मैं इन तीनों में ये जो फ्रिज का जो मैट है इसको मैं बिछा दूंगी, उससे थोड़े से तो ग्लास ही बचे ही रहते हैं। ये फ्रिज का मैट जो है वो पुरानी फ्रिज का है तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसा हो चुका है, लेकिन हमें बहुत जल्द एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा सा फ्रिज मैट जो है वो ख़रीदने वाली हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जो साइड वाले जो मेरे ये डोर है इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, फिलहाल ये बिल्कुल सही लग रहा है, मतलब मैंने इस पे ज़्यादा सामान नहीं रखा है ताकि ईजिली मुझे मिल जाए, बाकी अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती तो मैं उसको रख देती हूँ। और इस बॉक्स में मैं वो रखने वाली हूँ जो चीज़ें हम ओपन कर लेते हैं और जिनमें कीड़े वगैरह लगने की या फिर मॉइस्चर आने का थोड़ा डर रहता है तो फ्रिज में सेफ़ रहते हैं, जैसे ये सब मसाले वगैरह, थोड़ा सा बेसन हो गया, मैदा, बेसन मैदा वगैरह फ्रिज में रखने से कभी भी कीड़े वगैरह नहीं लगते चाहे कितने भी टाइम, ये मैंने देखा है। कॉफ़ी हो गई, जो भी सैशेस वगैरह होते हैं जो ओपन रहते हैं उनको मैं फ्रिज में ही किसी बॉक्स में रख देती हूँ सबसे नीचे। जो वेजिटेबल बास्केट है, वेजिटेबल बास्केट हमारी फ्रिज की बहुत ज़्यादा बड़ी है और इतनी वेजिस रखने की उसमें जगह मुझे नहीं समझ में आती, तो मैं ये चीज़ें रख देती हूँ जो बाहर ख़राब हो जाती हैं। तो सबसे नीचे मैं इन्हीं को अरेंज करने वाली हूँ, एक किसी ऑर्गेनाइज़र में रख देते तो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती, अदरवाइज़ सारा कुछ इसमें फैल जाता है और चीज़ें गिरने का भी डर रहता है। तो इसको मैं साइड में अरेंज कर दूँगी। मैं यहीं पे जो खजूर के बॉक्सेस हैं उनको भी अरेंज कर देने वाली हूँ, खजूर भी फ्रिज में रखे रहे तो सही रहता है, चींटियाँ वगैरह से जो है वो बचे रहते हैं खजूर, अदरवाइज़ चींटियों का अटैक हो जाता है, और जितना भी बचा लो लक्ष्मण रेखा खींच दो या कुछ भी कर दो तो ऐसा नहीं है कि चींटियों से बचा पाना चीज़ें मुश्किल ही होता है, मीठी चीज़ें वो सूंघ ही लेती हैं, तो इसलिए फ्रिज में ही रखना सही रहता है। अब बाकी जितना भी ब्रेकफास्ट का सारा ये हेल्दी सामान है, म्यूजली ओट्स वगैरह और पीडियाश्योर, ये सारा मैं इसी वाले, एक्चुअली इसमें मैं वेजिटेबल्स कम रखती हूँ, वेजिटेबल्स फ्रूट सारा जो इसी तरह का सामान होता है एक्स्ट्रा सामान उसको मैं फिल कर देती हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह जब कभी लगता है, जब कभी ज़्यादा शॉपिंग हो जाती है तो उसको मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारा ब्रेकफास्ट का जो हेल्दी सामान है मैं उसको स्टोर करने वाली हूँ, बाकी ज़्यादातर एक्चुअली जो ऊपर के हमारे शेल्फ वगैरह हैं उनको भी मैं अच्छे से फिल कर लेती हूँ अगर कभी कभार सामान ज़्यादा आ जाता है। नीचे की जो अब जो थोड़ी बहुत जगह बची है उसको मैं बाद में कोई चीज़ होगी तो उसको रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने अंजीर रख दी है, अंजीर का पैकेट बाहर की तरफ ही रखा है, दूध का डब्बा और जो आटा है वो आप सेकंड वाले में देख सकते हैं अभी फ़िलहाल। और ऊपर जो है यहाँ पे सारी ये सॉस वगैरह, ये केक बेक का जितना भी सामान है या जितनी भी ये पिज़्ज़ा बेस की जितनी भी चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं, और जितना भी ग्रॉसरी का सामान मैं ख़रीद के लाई थी उनको फ़िलहाल तो मैंने इस टंकियों में रख दिया है, बिकॉज़ अभी पूरी तरह से जो मेरे स्पाइसेस हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं, जैसे ही ख़त्म होंगे तो अब मैं उनको उसमें रिफ़िल करूँगी, ये है कि मैंने स्टॉक रख लिया है, अभी मेरे सारे स्पाइसेस ख़त्म नहीं हुए। तो फिलहाल मैंने 90% जो है वो प्रिपरेशन कर ली है और आपके साथ शेयर कर दी है। घर की मैं सफाई पहले ही कर चुकी थी, फ्रिज को मैंने क्लीन कर लिया है, राशन जितना है उसे फिल करके रख लिया है, और पिसा ज़ीरा वगैरह और अदरक लहसुन वगैरह इन सब की मैंने सारी जो प्रिपरेशन करनी थी वो कर ली है, और मुझे बस अब ये है कि अब क्रॉकरी निकालनी है, जो अच्छी अच्छी क्रॉकरी में हम इफ्तार करने वाले हैं वो क्रॉकरी निकाल के सामने रखनी है। जनरली हम ज़्यादा स्टील के बर्तन में खाते हैं, लेकिन हाँ ये रमज़ान में अच्छा लगता है, सब कुछ जितना कलरफुल बनता है तो कलरफुल बर्तनों में ही अच्छा लगता है, तो बस अब मुझे क्रॉकरी निकाल के उनको अरेंज करना है, उनको अच्छे से वॉश करके रखना है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं जल्दी आपके साथ जो मैं नए बर्तन खरीद के लाई हूँ बर्गनर की उनके जो एक्चुअल में रिव्यू है आफ्टर यूज़ वो मैं जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। एटलीस्ट मैं चाहती हूँ एक महीना तो मैं उसको यूज़ ही कर लूँ, और रमज़ान में पिज़्ज़ा जितना भी मैं फ्राइंग का सामान है फ्राई जितना भी करने वाली हूँ सारी मैं उसी कढ़ाई में करने वाली हूँ, तो उससे क्या है मुझे उसका एक्चुअल जो है वो पता चल जाएगा कि वो कढ़ाई कितनी अच्छी है, कितनी ड्यूरेबल है, और मैं आपके साथ वो रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी।